मोबाइल इन्वर्टर बैटरी हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंड। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच हम आ गए हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस की बात करें तो दो घटनाक्रम हुए हैं। हरसूद विधानसभा में मुकेश दरबार नाम के एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिन्हें खंडवा जिलाध्यक्ष अजय ओझा जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। क्यों किया है उनसे बात कराएंगे। इसके अलावा पंधाना विधानसभा में जो कांग्रेस से पिछली बार चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की प्रत्याशी छाया मोरे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। किस तरीके से घटनाक्रम खंडवा में हो रहा है, इनके पीछे क्या कारण है और इसको लेकर खंडवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय ओझा जी का क्या कहना है, हम उनसे ही आपकी बात कराते हैं। ओझा साहब, आज जो है दो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को, एक को पार्टी से बाहर कर दिया गया और एक ने खुद पार्टी छोड़ दी, क्या घटनाक्रम है, क्यों हो रहा है? मैं बात करूं मुकेश दरबार की, तो मुकेश दरबार जो हैं लंबे समय से फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे नेताओं के खिलाफ, लाइक राहुल जी के खिलाफ उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। संज्ञान में आने के बाद हमने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। दूसरा जो एक झटका हमको आज लगा वो उसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों अचानक से हुआ। हमारी पूर्व प्रत्याशी पंधाना की छाया मोरे जी ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमको इस्तीफा भेजा है, वो हमारे लिए बड़ा दुखद पहलू है। हमने इस विषय पर उनसे बात करने की कोशिश की, हमने ये प्रयास किया कि वो अपने निर्णय को बदल लें और जो उनकी जिस तरीके की भी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा लंबे समय से हो रहा है, हमने उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। हमने हमारे माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी से इस विषय पर बात की तो कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि भैया जब उनको देखो, आप एक बार प्रयास करो और उनको समझाओ, यदि वो समझ जाए तो पार्टी हित में रहेगा। उनके कहने पर मैंने जब छाया मोरे जी को समझाया और बात की और उनके कुछ लोगों को भी संगठन में जैसा वो चाहती थी उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की बात हमने रखी उनके सामने, इसके बावजूद भी वो कुछ संतुष्ट नहीं हो पाई हमारी बात से, ऐसा मुझे लगा। पर हमने कोशिश ये करी आखिरी तक कि वो ऐसा निर्णय जो लिया है उन्होंने उसको बदल लें, अंतोदगत हम सफल नहीं हो पाए। ये हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, वो हमारी अच्छी नेत्री थी, ये दुखद है हमारे लिए थोड़ा सा। बताया जा रहा है वो पार्टी में पंधाना विधानसभा से पहले भी चुनाव लड़ी थी, लगातार 5 साल से पार्टी का झंडा वहां उठाए हुए थी, जमीन पर कार्य कर रही थी, कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रही थी, जो पार्टी के कार्यक्रम आते थे उनको लेकर प्रदर्शन करती थी, एक एक्टिव कार्यकर्ता थी। और जो बात निकल के आ रही है कि वो कहीं ना कहीं टिकट की भी दावेदारी कर रही थी और एक प्रत्याशी जिसकी जो दावेदारी अभी कर रहा है उसको पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था और उसको टिकट मिलने की बात चल रही है, ये सब बातें भी चल रही है, इनमें कितनी सच्चाई है और पार्टी का कितना नुकसान है ये जो हो रहा है? देखिए, पार्टी का एक तरीका है प्रत्याशी चयन का, उसके लिए तमाम सर्वे कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर से वो एक अच्छी प्रत्याशी हो सकती थी और हमें भी उन्होंने अपना बायोडाटा हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी दिया था, लेकिन ये बड़ा अर्ली उनका डिसीजन जो जल्दी में उन्होंने मुझे लगता है लिया गया निर्णय है, वो यदि गंभीरता से इस विषय पर सोचती तो हो सकता भविष्य में उनको टिकट भी मिल सकती थी, लेकिन जल्दीबाजी में उन्होंने कुछ या किसी के कहने पर लिया या स्वयं ने लिया, ये कुछ समझ में नहीं आ पाया। अचानक से आज हमको उनका इस्तीफा व्हाट्सएप पे मिला, हमने उनसे बात की लेकिन वो उस मामले पर उन्होंने जो निर्णय लिया वो अडिग है और उसमें वो वापस लेने को तैयार नहीं। एक बात और मार्केट में चल रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि वो अरुण यादव की बेहद करीबी मानी जाती थी, अरुण यादव समर्थक हैं और एक बात जो प्रदेश स्तर पर चल रही है, निमाड़ के बड़े नेता हैं अरुण यादव, उनकी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज है, कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अरुण यादव की पूरी टीम को डोमिनेट किया जा रहा है और ये भी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं जो अरुण यादव के समर्थक हैं उनको ना ही उनके साथ न्याय किया जा रहा है, ना ही कोई उचित स्थान दिया जा रहा है, ना ही उनका सम्मान किया जा रहा है, इस तरह के विषयों पर क्या लगता है? देखिए, मुझे भी अरुण यादव जी का समर्थक माना जाता है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके का कुछ भेदभाव कमलनाथ जी या किसी के तरफ से ऐसा किया जा रहा है। निश्चित तौर से सभी को साथ में लेके चलने की बात हो रही, कमलनाथ जी मुझे खुद कह चुके हैं कई मौकों पे ऐसे कि भाई आप सामंजस्य बैठाइए, और लगभग मेरा स्वभाव देखते हुए उन्होंने मेरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाया कि आप मैनेज कर लोगे,
ये मेरे लिए बड़ी सम्मानजनक बात है और मैं उस प्रयास में लगा हूँ। निश्चित तौर से मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कमलनाथ जी की तरफ से कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी किसी को डैमेज करने की बात नहीं की, उनका हमेशा सामंजस्य बैठाने की दिशा में उनका आदेश रहा है जिसको हम मानते आए हैं। और रही बात अरुण यादव जी की, तो अरुण यादव जी के लिए भी बड़ा ये झटका और सदमे जैसी बात है, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का छाया मोरे कुछ निर्णय ले पाएंगी। लोग अब देखिए बातें हैं तो कई तरीके की बातें राजनीति में होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अरुण यादव जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये छाया मोरे का अपना निर्णय है, उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है। अब भविष्य में उनकी क्या योजना है, क्या करना चाहती हैं, कहाँ से उनको ये सपोर्ट मिला, ये एक बड़ा एक अलग टाइप का विषय है जिस पर मैं कोई बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। भाजपा में वो जाने वाली हैं, भाजपा ज्वाइन करने वाली हैं, काफी कार्यकर्ताओं को साथ ले जाएंगी, ऐसे बातें भी हो रही हैं, क्या इस तरह की चर्चा आपके? मेरी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, मैं तो अपनी पार्टी के बाबत ही उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बहन जी एक अवसर है, आप थोड़ा सा शांत रहिए, दो चार दिन बाद आप और सोच समझ के निर्णय ले सकती हैं, इसको वर्तमान में अभी आप थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए दो चार दिन के लिए, हम ऊपर बात करते हैं सबसे और अपन बैठ के बात करेंगे, आपकी क्या नाराजगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो मुझे लगा कि वो एडामेंट थी, वो कहीं बात कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया। तो ये हैं अजय ओझा जिन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा, वर्तमान में खंडवा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अरुण यादव गुट के वो समर्थक माने जाते हैं। दोनों घटनाओं को लेकर उन्होंने कांग्रेस की स्थिति क्लियर कर दी। इसी तरीके से राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, और आने वाले समय में राजनीति की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाएं और गतिविधियां हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।